हेलो एवरीवन, हम अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net और ये है हमारी ऑन पेज एसईओ सीरीज का सेकंड पार्ट। इस सीरीज के क्रम में भी ये सेकंड पार्ट है बिकॉज इससे पहले हम इमेज एसईओ सीरीज कर चुके हैं जिसके वीडियोस ऑलरेडी लाइव हैं। जनवरी महीने में हमने इस सीरीज को किया था और आप इस सीरीज के वीडियोस को देख सकते हैं। अभी लिंक जो है वो आपको टॉप राइट कॉर्नर में दिखाई दे रहा होगा। आज के इस सेकंड पार्ट में, ऑन पेज एसईओ के इस सेकंड पार्ट में, हम बात करेंगे कैनोनिकल टैग्स की। कैनोनिकल टैग्स ऐसे टैग्स हैं जो एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी हैं, लेकिन एसईओ जो करते हैं एसईओ एग्जीक्यूटिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। कैनोनिकल टैग्स एक ऐसी प्रॉपर्टी है, कैनोनिकल टैग्स एक ऐसा एरिया है जिसमें बहुत सारे एसईओ कंफ्यूज भी होते हैं, उसको गलत तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं, उसकी वजह से नुकसान झेलते हैं, उनकी वेबसाइट नुकसान झेलती है। सो आज के इस वीडियो में हम कैनोनिकल टैग्स की मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसका क्या मीनिंग होता है, उसे कैसे यूज करना चाहिए और कैसे उसे नहीं यूज करना चाहिए, इन सारी चीजों को देखेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि ऑन पेज एसईओ की इस सीरीज में हमने पहले वीडियो में बात की हुई है hreflang टैग के ऊपर। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको देखना चाहिए, इसका लिंक भी आपको टॉप राइट कॉर्नर में दिखाई दे रहा होगा। सो कैनोनिकल टैग्स क्या है, कैनोनिकल टैग्स का यूज क्या है। कैनोनिकल टैग्स के जरिए आप गूगल को ये बताते हैं कि मेरे बहुत सारे पेजेस के बीच में मेरा फेवरेट पेज कौन सा है, किस पेज को मैं इंडेक्स कराना चाहता हूँ। सबसे पहले कैनोनिकल टैग का जो यूज है, जो नॉर्मल कॉमन एसईओज आंसर देते हैं, वो होता है डुप्लीकेट कंटेंट के इशू को सॉर्ट आउट करना। सो इमेजिन करते हैं कि आपकी वेबसाइट पर तीन पेजेस हैं, पेज वन, पेज टू, पेज थ्री। इन तीनों पेजेस पर सेम कंटेंट है, किसी भी रीजन की वजह से आपको पोस्ट करना पड़ा है। नाउ आप जानते हैं कि गूगल तीनों पेजेस पर अगर सेम कंटेंट यूज किया जा रहा है तो उन तीनों पेजेस को इंडेक्स नहीं करेगा, आपको गूगल को एक पेज बताना पड़ेगा जिसे गूगल इंडेक्स करे। सो आप गूगल को कैनोनिकल टैग्स के जरिए बताएंगे कि भाई इन तीनों पेजेस में, पेज वन, टू, थ्री के बीच में मुझे पेज टू को इंडेक्स कराना है। ओके, सो अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि इन तीनों पेजेस में से कैनोनिकल टैग्स किस पर यूज किया जाएगा। तीन पेज है, तीनों पेजेस पर कंटेंट सेम है, लेकिन आपको इंडेक्स कराना है सिर्फ पेज नंबर दो को। सो आप कैनोनिकल टैग किस पर यूज करेंगे, पेज वन पर, पेज टू पर या पेज थ्री पर? वेल, सही आंसर है इन तीनों पेजेस पर कैनोनिकल टैग यूज किया जाएगा। कंफ्यूजन यहीं से शुरू होता है। वेल, कैनोनिकल टैग्स कैसा दिखाई देता है, एक सेकंड के लिए सब कुछ भूल जाइए, गूगल वगैरह वगैरह सब कुछ भूल जाइए, हम कैनोनिकल टैग को देखते हैं कि आखिर कैनोनिकल टैग दिखता कैसे है। सो हमारा कैनोनिकल टैग कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ये पूरा एलिमेंट कैनोनिकल टैग है। यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है रेल। रेल का मतलब, अभी तक अगर आपने सीरीज के वीडियोस को देखा है तो आपको पता है रेल का मतलब होता है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या है, कैनोनिकल। अगर आपने इस वीडियो को, ये थोड़ा सा पुराना वीडियो है, लेकिन अगर आपने हमारे इस पुराने वीडियो को देखा है तो आपको पता है कैनोनिकल मतलब होता है फेवरेट। जैसे आप मेरे फेवरेट हैं, एंड आई होप कि मैं भी आपका फेवरेट हूँ, राइट? सो यहाँ पर कैनोनिकल जो है वो रिलेशनशिप है, लेकिन कौन सा पेज कैनोनिकल है, कौन सा पेज फेवरेट है, वो है ये URL HRF के आगे जो यहाँ पर दो इन्वर्टेड कॉमा के बीच में URL दिया हुआ है, ये है कैनोनिकल URL, राइट? सो आप इस पर्टिकुलर कोड को जिस भी पेज के ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं, आप बताते हैं कि ये जो पेज है इसका फेवरेट कौन है। सो वापस हम अपनी वेबसाइट वाले एग्जांपल पर आ जाते हैं। हमारे पास तीन URL है, पेज वन, पेज टू, पेज थ्री। इन तीनों पेजेस में हमें इंडेक्स कराना है पेज टू। ओके, और मैंने कहा है अभी अभी कि हमें तीनों पेजेस पर कैनोनिकल टैग को लगाना पड़ेगा। तो हम कैसे कैनोनिकल टैग को लगाएंगे, हम जाएंगे पेज वन पर और पेज वन पर इस कोड को पेस्ट करेंगे, राइट? यहां पर लिंक रेल क्या है, कैनोनिकल, लेकिन URL क्या है, पेज टू। ओके, सो हम जब पेज वन पर इस कोड को पेस्ट करते हैं तो हम बताते हैं कि आप पेज वन को विजिट कर रहे हो गूगल बॉट भाई, लेकिन जो मेरा फेवरेट है वो पेज टू है। तो गूगल बॉट को पता लग जाएगा और गूगल बॉट इस पेज को इंडेक्स नहीं करेगा, इंडेक्स करेगा आपके पेज टू को, ठीक है? अब हम पेज थ्री पर जाएंगे और पेज थ्री पर एग्जैक्टली डिट्टो सेम यही कैनोनिकल पेस्ट कर देंगे। ओके, तो जब गूगल बॉट पेज थ्री को विजिट करेगा तो उसे पता लग जाएगा कि इस पेज का भी फेवरेट कौन है, लिंक रेल, रिलेशनशिप फेवरेट, कैनोनिकल, लेकिन इसका फेवरेट है कौन, कौन सा पेज फेवरेट है, पेज टू। सो गूगल बॉट पेज थ्री को विजिट करेगा, उसे पता लग जाएगा कि इस पेज का फेवरेट है पेज टू और वो पेज टू को इंडेक्स करेगा। सो हमने पेज वन और पेज थ्री दोनों पर कैनोनिकल टैग को लगाया है, लेकिन कैनोनिकल लिंक कौन सा है, पेज टू, ठीक है? कैनोनिकल टैग और कैनोनिकल लिंक के बीच में थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लेंगे, आपको समझने में आसानी होगी। नाउ अब क्वेश्चन आता है कि पेज टू पर क्या किया जाए। पेज टू पर भी हमें एग्जैक्टली डिट्टो यही सेम टैग पोस्ट करना है, इसी टैग को यूज करना पड़ेगा। ऐसा क्यों जरूरी है, बिकॉज लेट से कि कल को आपका कोई कंपेटिटर आपके किसी पेज को उठाकर कॉपी कर लेता है, उसके कंटेंट को कॉपी कर लेता है और अपनी वेबसाइट पर जाकर पोस्ट कर देता है। सो आप कैसे बताएंगे कि इस पेज पर जो कंटेंट दिया हुआ है, जो कंटेंट मैंने पब्लिश किया है, उसका फेवरेट भी मैं खुद ही हूं।
So, जब आप पेज टू पर सेम यही एग्जैक्टली कैनोनिकल टैग पेस्ट करेंगे तो गूगल को सिग्नल मिलेगा, गूगल बॉट को सिग्नल मिलेगा कि जो रिलेशनशिप है इस पेज का वो है फेवरेट, और इस पेज का फेवरेट कौन है, ये खुद ही है, और गूगल बॉट आपके पेज के कंटेंट को आपके इस यूआरएल के साथ में एसोसिएट कर लेगा। सो जब आप किसी एक पेज पर कैनोनिकल टैग में उसी पेज का लिंक यूज करते हैं तो इसे बोलते हैं सेल्फ रेफरेंसिंग कैनोनिकल, यानी कि आप अपने आप को ही कैनोनिकल बता रहे हैं, आप जिस पेज पर यह टैग लगा रहे हैं उसी पेज पर कैनोनिकल लिंक भी सेट किया जा रहा है, इसे बोलते हैं सेल्फ रेफरेंसिंग कैनोनिकल। नाउ इस सेटअप के, इस सेल्फ रेफरेंसिंग कैनोनिकल के एक फायदे को तो आप जान गए हैं ऑलरेडी कि अगर किसी एक्सटर्नल पेज पर गूगल किसी तरीके से इस कंटेंट को देखता है तो भी आपके पेज को ही कैनोनिकल बनाएगा। दूसरा फायदा है कि आपकी वेबसाइट पर अगर अलग अलग रीजन की वजह से www, http या फिर ट्रेलिंग स्लैश वाले जो इश्यूज की वजह से जो डुप्लीकेट कंटेंट बन रहे हैं, जो डुप्लीकेट पेजेस बन रहे हैं टेक्निकल टर्म्स में, उन केसेस में भी जो आपका ओरिजिनल पेज है उसी को गूगल इंडेक्स करेगा, किसी और दूसरे वर्जन को इंडेक्स नहीं करेगा। ये हुआ फायदा नंबर दो। फायदा नंबर तीन हो जाता है कि कल को लेट से कि आप अपनी वेबसाइट पर कोई आप अलग अलग तरीके का UTM पैरामीटर यूज कर रहे हैं या क्वेरी पैरामीटर यूज किया जा रहा है, अगर आपके URL के इस तरह से अलग अलग वर्जन बन रहे हैं तो गूगल इन अलग अलग वर्जन को, इन क्वेरी पैरामीटर्स को, इन UTM पैरामीटर वाले URLs को इंडेक्स नहीं करेगा क्योंकि आपने सेल्फ रेफरेंसिंग कैनोनिकल यूज किया हुआ है। जब भी गूगल आपके UTM पैरामीटर या क्वेरी पैरामीटर वाले पेज को अगर इंडेक्स करने की कोशिश करता है तो उस पेज पर क्योंकि कंटेंट तो सब कुछ सेम है, राइट, क्वेरी पैरामीटर या URL पैरामीटर वाले केस में पेज का कंटेंट, हेडर वगैरह कुछ भी चेंज नहीं होता, सिर्फ URL चेंज होता है, और जब भी गूगल उस URL के थ्रू पेज को आपके डाइजेस्ट करने की कोशिश करेगा, इंडेक्स करने की कोशिश करेगा, तो वहां पर उसे लिंक रेल कैनोनिकल और आगे कैनोनिकल को जो लिंक मिलेगा वो विदाउट पैरामीटर वाला URL क्लीन URL होगा, तो आपके जो अलग अलग इस तरह के क्वेरी पैरामीटर वाले पेजेस हैं वो भी इंडेक्स नहीं होंगे, सिर्फ आपका क्लीन URL इंडेक्स होता रहेगा। सो ये तो हो गई थ्योरी, राइट। अब देखते हैं कि आखिर कैनोनिकल टैग को पेजेस पर यूज कैसे करना है। अगर आपकी वेबसाइट कस्टम कोडेड वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल जावास्क्रिप्ट है या HTML है या PHP या कोई दूसरा फ्रेमवर्क है, तो वहां पर आपको अपने डेवलपर के साथ में बात करनी पड़ेगी कि भाई ये मेरा कैनोनिकल टैग का सेटअप है। आप एक एक्सेल शीट बना सकते हैं जिसमें एक साइड पर आप लिख देंगे आपका URL, राइट, जो आपके URLs हैं और किस URL के ऊपर किस पेज को कैनोनिकल बनाना है, वो एक एक्सेल शीट बनाकर आप इस तरह से, सैंपल शीट आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इसे आप दे सकते हैं अपने डेवलपर को और डेवलपर को ये इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। कैसे दे रहे हो भाई, फ्री में थोड़ा काम करा रहे हो। सो ये तो हो गई कस्टम कोडेड वेबसाइट्स की बात, लेकिन अगर आप वर्डप्रेस पर इस प्रोसेस को करना चाहते हैं तो हम अलग अलग प्लगइन्स को यूज कर सकते हैं। दो चार जो फेमस फेवरेट SEO प्लगइन्स हैं उनमें इस प्रोसेस को कैसे करना है एक बार क्विकली देख सकते हैं। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैनोनिकल टैग्स को कैसे सेट करना चाहिए अलग अलग पेजेस पर अलग अलग SEO प्लगइन्स के जरिए। सो हम आ चुके हैं वर्डप्रेस के अपने डैशबोर्ड में और यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे आखिर कैनोनिकल टैग्स को आप यूज़ कर सकते हैं अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में। सो हम यहाँ पर चार मेथड देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि बिना किसी SEO प्लगइन के नेटिवली वर्डप्रेस में आप कैसे कैनोनिकल टैग्स को ऐड कर सकते हैं, और इसके बाद हम रैंक मैथ, यूज्ड SEO और ऑल इन वन SEO, इन तीन प्लगइन्स के साथ में भी इस प्रोसेस को करके देखेंगे। सो सबसे पहले देखते हैं विदाउट एनी प्लगइन। मैं जाऊँगा पेजेस नाम के इस ऑप्शन के ऊपर, ऑल पेजेस पर क्लिक करूँगा और हम किसी भी एक पेज को ले लेते हैं, उसको एडिट करने वाली विंडो पर जाते हैं, एडिट बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको कोई भी ऑप्शन नहीं दिखाएगा कैनोनिकल टैग को ऐड करने का। इसका तरीका है आप इन तीन डॉट्स पर क्लिक करेंगे और इसके बाद प्रेफरेंस बटन पर क्लिक करना है। प्रेफरेंस बटन में आपको आना है पैनल्स नाम के इस ऑप्शन पर और एडिशनल में जो कस्टम फील्ड दिखाई दे रहा है इसको ओपन करना है, राइट। नाउ यहाँ पर सेव बटन नहीं है, आपको शो एंड रीलोड पेज पर क्लिक करना होगा। इस पर एक बार क्लिक कर लेते हैं ताकि ये ऑप्शन आपको दिखाई दे आपके इस डैशबोर्ड में। ओके, नाउ इट इज डन और यहाँ पर हमें एडिशनल न्यू कस्टम फील्ड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे एंटर न्यू बटन पर, ओके, और इसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे कैनोनिकल नेम सेक्शन में और व्यू में क्या होगा हमारे पेज का URL। फॉर एग्जाम्पल हमारे इस पेज का जो कैनोनिकल URL है https://page2, ओके, जैसे हम इस URL को एंटर करते हैं और इसके बाद हम अपडेट बटन पर क्लिक कर देंगे और हमारे इस पेज का जो कैनोनिकल URL है वो सेट हो जाएगा। हमने किसी भी प्लगइन को यूज़ नहीं किया, कोई भी SEO प्लगइन अभी काम में नहीं आया है, ओके। सो ये हो गई बिना किसी SEO प्लगइन के करने वाली प्रोसेस। अब देखते हैं कि SEO प्लगइन के साथ में इसे कैसे करना है। ओके, नाउ अब देखते हैं कि आखिर रैंक मैथ में आप इस काम को कैसे कर सकते हैं। सो अगेन हम इस वेबसाइट पर हैं जिस पर रैंक मैथ इंस्टॉल्ड है, एक्टिव है, और यहाँ पर हम किसी भी पेज के सामने बने हुए इस एडिट बटन पर क्लिक करेंगे। लेट्स सी कॉन्टैक्ट अस एडिट। तो हम आ चुके हैं एडिट ऑप्शंस के अंदर और सो हम क्लिक करेंगे यहाँ पर इन तीन डॉट्स पर
और इसके बाद रैंक मैथ नाम के इस बटन पर क्लिक करेंगे। इस बटन पर आने पर और आपको ये टैब दिखाई देगा रैंक मैथ का, यहाँ पर आपको क्लिक करना है इस एडवांस्ड नाम के सेक्शन के ऊपर और यहाँ पर आपको कैनोनिकल यूआरएल को एंटर करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पर अपने कैनोनिकल यूआरएल को एंटर करेंगे https://example.com/page1। सो यहाँ पर इस फील्ड पर हम कैनोनिकल यूआरएल को एंटर करेंगे example.com/page1, ये हो जाएगा इस पेज का कैनोनिकल यूआरएल। आपको सिर्फ अपडेट बटन पर क्लिक करना है और काम डन हो गया आपका। अब हम देखते हैं कि Yoast SEO में सेम प्रोसेस को कैसे कर सकते हैं आप। चलते हैं Yoast SEO वाली वेबसाइट के ऊपर। सो हम आ चुके हैं Yoast SEO वाली वेबसाइट के ऊपर। हमें वापस जाना होगा अपने पेजेस वाले सेक्शन में और यहाँ पर हम अगेन एक पेज के सामने बने हुए एडिट बटन पर क्लिक करेंगे, कॉन्टैक्ट अस। यहाँ पर हम एडिट बटन पर क्लिक करते हैं और आपको Yoast के लिए जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पर नीचे ऑटोमेटिकली दिखाई दे जाते हैं। आप थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करते जाएंगे और आपको यहाँ पर एडवांस सेक्शन में दिखाई देगा अपने कैनोनिकल यूआरएल को एंटर करने का ऑप्शन इस तरह से। यहाँ पर हम टाइप करेंगे https://example.com/page2 और अब page2 इस यूआरएल का, इस पेज का कैनोनिकल अपने आप सेट हो जाएगा। आपको सिर्फ अपडेट बटन पर क्लिक करना है। तो अब हम आते हैं तीसरे प्लगइन के ऊपर जो है ऑल इन वन SEO प्लगइन। इसके लिए कैनोनिकल टैग को कैसे यूज करना है इस प्रोसेस को देख लेते हैं। हम आएंगे पेजेस वाले सेक्शन में अगेन। वैसे ये चारों मेथड मैंने अभी तक पेज में करके दिखाए हैं। अगर कोई पेज और पोस्ट के बीच में कंफ्यूज है तो दोनों में ऑप्शन सेम जगह पर डिटो सेम जैसे मिलेंगे। सो यहां पर हम अगेन कॉन्टैक्ट अस पेज को लेते हैं और एडिट बटन पर क्लिक करेंगे। एडिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन कहाँ दिखाई देंगे, हम नीचे आते हैं। ये AIOSEO सेटिंग्स आपको सेक्शन नीचे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम एडवांस्ड नाम के इस टैब के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको अपना प्यारा सा कैनोनिकल मतलब क्या होता है, प्रेफर्ड, प्यारा, प्यारे कैनोनिकल को ऐड करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। वैसे मैं प्यारा कैनोनिकल बोल रहा हूँ तो प्यारा प्यारा हो गया, राइट। कैनोनिकल मतलब प्रेफर्ड मतलब प्यारा। तो यहाँ पर हम अपने कैनोनिकल यूआरएल को ऐड करेंगे https://example.com/page2। सेट हो गया, अपडेट करना है, काम डन हो गया। कैनोनिकल को ऐड करना कितना इजी है। सो ये था कैनोनिकल टैग्स को यूज करने का तरीका और क्यों यूज करना चाहिए उस चीज का एक्सप्लेनेशन। आई होप कि इस वीडियो के बाद में आपको कैनोनिकल रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं रह जाएगा। एंड आई होप कि जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, इंटरव्यू देने आ रहे हैं, वो गलत आंसर नहीं देंगे। अदरवाइज सबसे पहले इस वीडियो को बैठा के दिखाऊंगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और ऑन पेज एसईओ की प्रॉब्लम के साथ में, उसे सॉल्व करते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, प्रॉमिस, बाय।